नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देश में ये खबर सामने आई है कि अब बाबा भोलेनाथ के भक्त अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दो सालों से देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद एक बार फिर अमरनाथ यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब एक बार फिर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के मन में ये सवाल उठने लगा कि हम इस अमरनाथ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, क्या हमें इस अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराना होगा, और यदि पंजीकरण कराना होगा तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अमरनाथ आते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी एक बार फिर बम बम भोले के नारों से गूंजने वाली है। दो सालों के बाद एक बार फिर अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो भी लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकार के द्वारा एक लिंक भी प्रोवाइड करा दी गई है। वहीं अगर आप ऑफलाइन पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और एक हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना होगा। आपको बता दें कि एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन में लगभग 100 रुपए खर्च होंगे। एक दिन में केवल 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और पंजीकरण की ये प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपके सही स्वास्थ्य का सबूत होगा, जिसे 17 राज्यों के कुछ प्रमुख डॉक्टर और कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थान जारी करेंगे। सरकार के द्वारा ये निर्देश भी दिए गए हैं कि बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के कोई भी व्यक्ति अमरनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि इस साल बाबा अमरनाथ की यात्रा लगभग 43 दिन चलेगी। इन लोगों को अमरनाथ यात्रा की नहीं होगी इजाजत। जानकारी मिल रही है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, कोई भी गर्भवती महिला और 75 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी वृद्ध व्यक्ति बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाएगा। जानकारी के अनुसार इस बार की अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बलों की लगभग 250 कंपनियों को तैनात किया गया है। इन चीजों को अपने साथ यात्रा में जरूर ले जाएं। अमरनाथ की यात्रा पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आपको इस यात्रा में कुछ सामान जरूर ले जाना चाहिए। अमरनाथ की यात्रा के समय वहां के मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ ट्रेकिंग कोट, टॉर्च, ग्लव्स, जैकेट, मंकी कैप, पतले गर्म कपड़े, टोपी इत्यादि साथ जरूर ले जाएं। क्या है बाबा बर्फानी का रहस्य? बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा हिमालय की गोद में स्थित है। आपको बता दें, बाबा बर्फानी इसी पवित्र गुफा में दर्शन देते हैं। यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। प्राकृतिक हिम बनने के कारण इनको स्वयंभू हिमानी, शिवलिंग और बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारियों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।